सर्च ऑपरेशन के दौरान 15 किलोग्राम आईईडी किया है डिफ्यूज। मौके पर अब भी एनएसजी कमांडो है तैनात। नमस्कार, मैं कार्तिक और दोस्तों आप देख रहे हैं खबर अब तक सबकी आवाज। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में शुक्रवार रात को हुए एनकाउंटर के बाद इस्लामिक स्टेट्स ऑफ सीरिया एंड इराक के ऑपरेटिव अब्दुल यूसुफ को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद एनएसजी कमांडो ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सहयोग से अब्दुल यूसुफ की निशादेही पर दो प्रेशर कुकर में 15 केजी आईईडी को डिफ्यूज किया गया है। बावजूद इसके दिल्ली पुलिस और एनएसजी कमांडो जगह जगह तैनात हैं। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में आतंकी हमले के अलर्ट के बीच शुक्रवार रात को धौलाकुआं इलाके में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। इसमें एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है जबकि कई अन्य के छिपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। इसलिए सर्च ऑपरेशन रात भर चला और अब भी जारी है। गिरफ्तार आईएसआईएस के सदस्य का नाम अब्दुल यूसुफ बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यूसुफ के कुछ शातिर साथी भी दिल्ली में छिपे हो सकते हैं, इसलिए छापेमारी भी की जा रही है। एनकाउंटर की बाबत दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि धौलाकुआं में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा मुठभेड़ के बाद एक इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक ऑपरेटिव को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपित यूसुफ के पास से आईईडी भी बरामद किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी अब्दुल यूसुफ कश्मीर का रहने वाला बताया जा रहा है। दो आईईडी और एक पिस्टल मिली है। आईईडी को एनएसजी को सौंप दिया गया है। इस बीच बुद्धा गार्डन के पास सर्च ऑपरेशन के दौरान दो प्रेशर कुकर में 15 केजी आईईडी मिला था जिसे एनएसजी ने डिफ्यूज कर दिया था। इसके पास के एक बाइक भी मिली है जो गाजियाबाद नंबर की है, उसी से आतंकी कहीं जा रहा था। हालांकि बाइक का नंबर प्लेट फट पाया गया है। यहां पर बता दें कि पहले ही यह अलर्ट जारी कर चुके थे कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के तीन खूंखार आतंकी पाकिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल हो चुके हैं। ये तीनों आतंकी दिल्ली में कोई बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं और इनके निशाने पर दिल्ली में रहने वाले वीवीआईपी हैं। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के नाम गुलजान जुमान खान और शकील अहमद बताए हैं। तीनों जैश के मुखिया मुफ्ती अब्दुल रफ अस्कर के करीबी हैं। ये तीनों आतंकी जम्मू कश्मीर के सियालकोट सेक्टर के रास्ते भारत में घुसे हैं। इनके पास पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के पहचान पत्र भी हैं। बताया जा रहा है कि दो कश्मीरी युवक तीनों आतंकियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बस कार और टैक्सी से दिल्ली में घुस सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को यह इनपुट भी मिला है कि त्योहार के मौसम में आतंकी बड़ा हमला कर सकते हैं। इस अलर्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस के आला अधिकारी नहीं कर रहे हैं। बता दें कि अगले कुछ महीने में दिवाली समेत कई त्यौहार पड़ेंगे, ऐसे में आतंकी भीड़ को निशाना बना सकते हैं। इसे देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा एक बार फिर से कड़ी कर दी गई है। पुलिस आयुक्त ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश भी जारी करके कह दिया है कि वे अपने अपने इलाके में लगातार गश्त करते रहें। सुरक्षा में ढिलाई कतई बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी।